कहते कहते कोई किसी को राज ना दे है। गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे है, गुरु गोबिंद पातशाह कहते कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। ते बाबा साहब कहते कि जाओ अपने कर दिया कन्ना दे बाहर जाके लिख लो कि असी इस देश दे हुक्मरान बनना है। ते गुरविदास पातशाह कहते ऐसा चाहू राज मैं, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम वसे, रविदास रहे प्रसन्न। ते कांशीराम साहब कहते अटेर कूड़े नालियां गलियां शमशान घाटा, मनरेगा स्कीम दी लड़ाई लोग लड़न वाले, हरे प्याजा दी कूंडे विच चटनी कुट के खाने वाले लोगों नू मैं इस देश के MLA MP बना के जान का कम करांगा। पर साहब नू जूने जी एक गल कहती सी कि साहब जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितन बाबा साहब दुनिया तो गए तो लखा ही लोग पिछे झूठे अथरू बहा के कह रहे सी कि हे बाबा साहब तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके, पर किसी ने गल नहीं मनी। बाबा साहब की आत्मा नू किसी ने शांति नहीं दी। तो साहब कांशी राम जेड़े पंजाब की पैदाइश होए है, समाज के लोगों जिन्होंने यूपी के पहीए कहने हो, जिन्होंने चौल खाने कहने हो, उन्होंने साहब कांशी राम की कदर पाई, उन्होंने लोगों ने रोटी कट खाधी, तो भैन कुमारी मायावती राज भाग से बिठाया, साहब कांशी राम का सुपना पूरा किया। ते झाती मारो अपने अंदर जो झूठे नारे लाने के बाबा साहब तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके। साहब कांशी राम कहते गुलामों गुलामी का एहसास कराओ, ये बगावत करे। अज दुख लगता कि कांग्रेस का नेता साढ़े समाज के बंदे ना कहीं हाथ मिला दे, वो सत दिन नहाता नहीं, कहना मेरी कांग्रेस के MLA ने हाथ मिलाया हाथ धोता नहीं। वो कितने कांग्रेस का नेता गड्डी विच जांदा जिंदा हाथ मार दे, ये खड़ी कौम नू बेच देंदे है, ये खड़े पंथ नू बेच देंदे है। तो धोखा कर दे बाबा साहब नाल, धोखा कर दे साहब कांशी राम नाल। क्यों सबका राष्ट्रपति KR नारायण, मौजूदा राष्ट्रपति पार्लियामेंट में साहब कांशी राम नू पार्लीमेंट तो बाहर छड्डन आ रहा, गड्डी च बिठाउण आ रहे है। KR नारायण साहब कांशी राम कहते नारायण मुड़ जा वापस चल जा, तू राष्ट्रपतियां जाके पै जा, तू चंगा नहीं लगता। तो KR नारायण ने कहा साहब जी बाबा साहब की बदौलत इन्हों बहुजन लोगों के विचों तो हजारा राष्ट्रपति बन जाएंगे, पर इन्हों लोगों दोबारा कांशी राम नहीं मिलना। समाज के लोगो तो मैं कोशिश करांगा, रणजीत सिंह बैनीपाल इंचार्ज साहब साढ़े पंजाब चंडीगढ़ उचे उचे तौर पर पहुँचे है, विपुल कुमार जी इंचार्ज साहब उन्होंने फरमायश है कि देने अज एक गीत कांशी राम साहब का पायल की धरती से किया, मैं वो आप सब की नज़र करूँगा। रमेश कौल जी, गुरदयाल बोध जी, बंटी मोरावाले जी, परमजीत मल जी, दर्जा बदर्जा सारे सत्कारयोग साथी, डॉक्टर साहब चरणजी लाल कला प्रधान जी, मनोहर राज अखू जी, लेखराज मालपुरी जी, मेरी माता जी सीता कौल जी, कुलविंदर कौर माता जी, सारे का दर्जा बदर्जा सत्कार। एक बार फतेह की सांझ फतेह पा के आग्या दे दो, मैं एक ही गीत गाना क्योंकि सवेर के निकले हुए हैं, पता नहीं कितने रात रुकनी है, तो कल का जो टूर है संगरूर दा सुनाम जाना है, सारे गज के बुलाओ फतेह के जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच ते कदे कदे दुख लगता कि बाबा साहब ये लोग तेनू कह रहे हैं, ये लोग तेनू कह रहे हैं कि बाबा साहब तेरी सोच ते पैरा भी देंगे, सोच के तू किया की साढ़े लिए, तेनू क्लास तो बाहर बोरी थी पढ़ाया, तू बहुत आकी किया है। ए बाबा साहब तेरे नाई ने वाल नहीं कटे, तू बहुत आकी किया साढ़े लिए। बाबा साहब तेरे बच्चे दुनिया तो गए दवाई दुखो, तू बहुत किया की साढ़े लिए, तेनू तेरे पीए ने चाह का कप्पे नहीं पिलाया, तेनू जाति अपमानित किया, तेनू घड़े नू हाथ लाने दिता पानी नहीं पी दिता, तू बहुत की किया। आओ समाज के लोग साहब कांशी राम नू सच्ची श्रद्धांजलि देिए। साहब कांशी राम की माँ फोन कर दी, ओए कांशी रामा मुड़िया तेरा विआह बनिया होया कांग्रेस के नेता की कुड़ी नाल, मुड़िया तेरे सिर बनना। साहब कहते माँ मेरे सेरिया का इंतजार ना करी,
कंशी राम ने अपने समाज का सिर ते नीला कफन बन लिया। अज तो बाद कंशी राम ब्याह नहीं कराऊगा, जे जीऊगा तो इन्हों लोगों ने की लिखा सवाल जवाब जरा शहर गौर करना। वे लोको हो मेरे मन दे विच इना लोका ली एक रीज मचल दी रहिंदी है। आ लोका नू अज दा फिक्र नहीं ते मैनू चिंता कल दी रहिंदी है। मैं राज तुहाडा देख लवा आ मेरी चरवी टलदी रहिंदी है। ओ रातां नू दीवे दी लो हेठां मेरी चरवी टलदी रहिंदी है। क्यों ओ गंदी जईआं कौमां दे क्यों लोक साडे तों उत्ते ने। सोच के देखो घर जाके गंदी जईआं कौमां दे क्यों लोक साडे तों उत्ते ने। ओ मैं सदा जागदा रहिंदा आ मेरे लोक हजे तक सुते ने। जे चाहुंदे ने इक कमाई तों सोने दे महल बना लैंदे। जे धन ही कट्ठा करना सी ते भावें तेरा ही नोट कमा लैंदे। जे लालच हुंदा कुर्सी दा ओ सारी उम्र वजीरी पा लैंदे। ओ सहजल इकलौते पुत्तर नूं जो चाहुंदे ओ बना लैंदे। ओ जा दुनियादारी कर लैंदे जा दुनियादारी कर लेंदे जा बाबा साहब कहा लेंदे। सब कांची राम जानते हैं की कह के गए जरा गौर करना। ओ कांची राम दा मिशन पुकारे तख्त दिली दा वाजा मारे। कांशी राम दा मिशन पुकारे तख्त दिली दा वाजा मारे। कांशी राम दा मिशन पुकारे तख्त दिली दा वाजा मारे। मैं अपनी जिंदगी दा एक एक पल अपनी जिंदगी दा एक एक पल कौम दे लेखेला चलिया। सांबे वेड़ा भैन भरा वो मैं अपना फर्ज निभा चलिया। सांबे वेड़ा भैन भरा वो मैं अपना फर्ज निभा चलिया। ओ सांबे वेड़ा भैन भरा वो मैं अपना फर्ज निभा चलिया। रिश्ते नाते तंगा दिलों भुलाइया घर परिवार दिया। रिश्ते नाते तंगा सारिया दिलों भुलाइया परिवार दिया। सीने दे विच दर्द कौम दा रीजा पर उपकार दिया। सीने दे विच दर्द कौम दा रीजा पर उपकार दिया। मिशन दी खातिर मां दी ममता मिशन दी खातिर मां दी ममता कौम दी भेट चढ़ा चलिया। सांबे वेला भैन भरावो
मैं अपना फर्ज निभा चलिया हां सांबे वेला भैन भरावो मैं अपना फर्ज निभा चलिया हां सांबे वेला भैन भरावो मैं अपना फर्ज निभा चलिया राव जो लेके चलिया काफिला ओह रुकन ना देना हाथी वाला नीला झंडा किसे कीमत ते चुकन ना देना समाज दे लोको अब मेरी मतामा बैठे जरा गौर सुने हो कि गुरु रविदास पातशाह ने बाणी विच लिखे है कंदे रविदास मनुख कर बसन को सुख कर है दोए ठाओ एक सुख स्वराज में दूसर मरगट गाओ कहते सुख लेना ओए समाज दे लोको कहते सुख लेना जब तक मर जाओ शमशान घाट में सुख मिलता है ये बड़ी कौड़ी गल है गुरु रविदास पातशाह कहते सुख लेना मर जाओ कब्र में सुख मिलता है जिते कोई आके ये नहीं कहना करे खंड पत्ती मुक्की है जब बच्चे भुखे बैठे है कहते जब तक मर जाओ जे दूजा सुख लेना तो राज पाग चंडीगढ़ दिल्ली ते कब्जा करो जे नहीं लिया सी तो पिछले साल कलम चली सी कहिंदे दिल्ली ता तुगलकाबाद मंदिर टा दिओ मंत्र टाया कलम चली चक्के गड्डियां भर के बसा चले गए दिल्ली नू उत्थे जाके की होया कि 90 मुंडे जेल च छड के आए जदों घरे आके मां ने पूछा पुत जमीन दा की बनिया कहिंदा मां बनिया बुनिया तो कुछ नहीं उल्टा 90 मुंडे छड के आ गए जेल में ओए मां ने तो सवाल जवाब कर ले गुरु रविदास मरन अख नक किदा पाई सी के गुरु रविदास महाराज जी तेरा मंदिर ढवा के खाली मुड़े आए हाँ सोच के देखो कि दुख लग्या होगा गुरु रविदास पातशाह नूं किहदे नारे लाने किहदी जय करदे आ जरा गौर ना सोचा करो राजो लेके तुरिया किसे की मत्थे ते रुकन ना देना हाथी वाला नीला झंडा किसे की मत्थे ते चुकन ना देना भीम राजो लेके चलिया कदे काफिला रुकन ना देना हाथी वाला नीला झंडा किसे की मत्थे ते चुकन ना देना वो शाहू फूले दी कुर्बानी शाहू फूले दी कुर्बानी फिर तो याद करा चलिया वो सांबे वेला भैन भरावो मैं अपना फर्ज निभा चलिया सांबे वेला भैन भरावो मैं अपना फर्ज निभा चलिया साहब कांछी राम की अंतम इच्छा की सी भारत उत्ते शासन करना अंतम एहो इच्छा मेरी वेखियो किधरे थम ना जावे बीएसपी दी चढ़ी हनेरी वो भारत उत्ते शासन करना आखिर अंतम इच्छा मेरी वेखियो किधरे थम ना जावे बीएसपी दी चढ़ी हनेरी रती रंधावे वालिया ओए रती रंधावे वालिया दूजिया रमजा नू समझा चलिया
ਸੰਭਵੇਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਚੱਲਿਆ 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 ਸੁਰਣੀਆਂ धन्यवाद है सारे का कि कौल साहब ने गल की कहते वो गल जरूर सुना दियो कि जो धरती उत्ते बैठा हाकम अन्ना काना बोला हो जाए जो धरती उत्ते बैठा हाकम अन्ना काना बोला हो जाए जो उन्हें देखता ना हो कि उत्तर प्रदेश अंदर मनीषा का कतल हो जो कुर्सी पर बैठे हाकम यह गल पता ना हो ना दसती होवे ना सुनती होवे कि इन्हां बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 65 करोड़ रुपया किहड़ा नेता खा गया जो तो उन्हें दिखता ना हो कि इन्हां लोगों के नाल रोज जबर जातियां होंदियां फिर शायर कहिंदा कि जदों धरती उत्ते बैठा हाकम बोला हो जाए फिर लोग ना बोलन हथ फड़ियां तलवारां बोलदियां वो गल आप सब नाल सांझी करन लगा जरा गौर करना समाज के लोगों वो कदम ऐसे चलो के निशान बन जाए वो कदम ऐसे चलो के निशान बन जाए वो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए वो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए पहचान ऐदा दी नहीं होनी चाहिए कि 9 बजे चक्के कड़ाइए चमड़े कई चक लिया झाड़ू चक ले तुरपे पिंड छप्पड़ साफ कर समाज के लोगों यह जी पछाण बनाने बाबा साहब ने नहीं कहा जे पछाण बनानी आ तो इस देश के हुक्मरान बनने कि बनाने जरा गौर करना वो जदों तख्त ते बैठा हाकम बोला हो जावे जदों तख्त ते बैठा हाकम बोला हो जावे फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां तलवारां बोलदियां जदों धरती उत्ते बैठा हाकम बोला हो जावे जदों तख्त ते बैठा हाकम बोला हो जावे फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां तलवारां बोलदियां फिर लोग न बोलन तुसी साथ देना जदों तख्त ते बैठा हाकम बोला हो जावे फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां जदों तख्त ते बैठा हाकम बोला हो जावे जदों तख्त ते बैठा हाकम गूंगा हो जावे फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां तुसी सारे हाजिर लानी है फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां फिर लोग न बोलन हाथ फड़ियां तलवारां बोल दियां नौकरियां ली मंत्रियां दे जैक जरूरी ने नौकरियां ली मंत्रियां दे जैक जरूरी ने डिग्री ना हुण चले इत्थे चैक जरूरी ने उन्हां दे अनपढ़ सिक्ख्या मंत्री आ पिछे जे जिहड़ा उन्होंने सिक्ख्या मंत्री लाए सी वो 8वीं फेल सी समाज दे लोकां जिहनूं पंजाब दा सिक्ख्या मंत्री लाया सी वो 8वीं चों फेल सी ते मेरिया समाज दियां किन्नियां ही भैणां किन्ने भरा PhD कर रहे हैं कोई MTech कोई BCom वो कितने कितने पहुंचे हैं पर खड़े कितने हैं क्योंकि राजभाग नहीं
इत चलता की है नौकरियां ली मंत्रियां दे जक जरूरी ने नौकरियां ली मंत्रियां दे जक जरूरी ने डिग्री ना हुण चले इत्थे चक जरूरी ने डिग्री ना हुण चले इत्थे चक जरूरी ने जाफिर बंत ते वकियां लिशका ने अफसर शाही बच पईयां वंगारा बोल दियां ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੋਲਣ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ।